अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमानंदं सद्गुरुं ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं भगवान सद्गुरु अनंत अनंत आकाश गंगाओं के मालिक जिनका और छोर आज तक कोई नहीं जान पाया, ऐसे भगवान सद्गुरु जगत के गुरु और जगत के तारणहार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरु। भगवान वासुदेव है, वो कण कण में उनका निवास है। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई बिंदु नहीं, कण नहीं, जहां भगवान का निवास न हो। और वो कृष्ण है सारे ब्रह्मांडों के, सारी आकाश गंगाओं के परिभ्रमण को आकर्षित करके। और कृष्ण कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण करने वाला। सारे जगत को आपने देखा होगा, पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण करती है, सूर्य आकाश गंगा का परिभ्रमण करता है, आकाश गंगा भी किसी केंद्र का परिभ्रमण करती है। और आप तो जानते ही हैं, क्योंकि इस विश्व के सबसे श्रेष्ठतम शहर में आप रह रहे हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे। तो आज तक किसी वैज्ञानिक ने, किसी उपकरण ने, नासा ने, न किसी ने ये नहीं जान पाया कि कुल मिलाकर आकाश गंगाएं कितनी है। भगवान का कितना बड़ा विस्तार है। उपनिषद कहते हैं कि वो इतने महान है जिनकी महानता को कोई जानता नहीं, और इतने सूक्ष्म है कि एक कण भी ऐसा नहीं जहां वो ना हो। तो आप सब लोगों के अंदर भी भगवान बिराजते हैं। मेरी बात मत मानो, लेकिन गीता की बात से मानना ही पड़ेगी आप। गीता में भगवान कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुना। हे अर्जुन, मैं ईश्वर के रूप में समस्त भूत प्राणियों में निवास करता हूं।
फिर वो कहते हैं ईश्वर एक शक्ति है, ईश्वर एक कंट्रोलर है, ईश्वर एक नियामक है। जैसे कि कहीं किसी व्यक्ति को कोई व्यवस्था दी जाती है, ईश्वर माया का अधिपति है, लेकिन भगवान का एक रूप ईश्वर है तो दूसरा रूप सच्चिदानंद परमात्मा है। वो कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेशः सर्वभूतात् च आत्मनि। हे गुणाकेश, गुणाकेश इसको कहते हैं जो नींद से जाए, जागना चाहता है माया की नींद से, है ना। ये संसार माया की नींद है। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान सच्चिदानंद परमात्मा अर्जुन को जानबूझ के गुणाकेश बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तू नींद से जागेगा इस माया की नींद से, इसलिए तू गुणाकेश है। तो अहम आत्मा गुणाकेशः, हे गुणाकेश अर्जुन, मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? सर्वभूतात् च आत्मनि। भूत किसको कहते हैं? ये तुम्हारा जो शरीर है, ये भूत पोंगड़ा है। हमारे यहाँ गांव की भाषा में बोलते हैं भूत पोंगड़ा। पोंगड़ा यानी एक पाइप होता है ना, जिसके अंदर कोई चीज रखी जाती है, पैकिंग, पैकेज। ये भूत जो है, जीव जो है इसमें रहता है, इसलिए शरीर को भूत पोंगड़ा बोलते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान कि मैं आत्मा हूं और सभी भूतों में मैं ही रहता हूं। भूत कहते हैं जीव को। कहते हैं ना भैया, कोई शांत हो जाता है और वो गरुड़ पुराण वगैरह कराते हैं उसके घर पे, तो कहते हैं भैया वो जीवात्मा जो है वो निकल गया। तो वो जीव जो है, जो माया में फंसा है, ऐसे जीव जो है वो भूत कहलाता है। तो भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेशः सर्वभूतात् च आत्मनि। दो बात हो गई। अब किसी को ये भी समझ में नहीं आए कि वो आत्मा क्या होती है, और किसी को ईश्वर का भी बोध ना हो कि ईश्वर क्या होता है। पतंजलि भी कहते हैं योग वशिष्ठ में कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषा हृदय सन्निधिष्ठिता, ठीक है। लेकिन अगर चलो चुप, तुमको ये भी समझ में आती तो भगवान ने फिर बहुत सरल शब्दों में बताया। उन्होंने कहा भगवान ने कि हे अर्जुन, जीवस्य जीवनो अहम्। जितने जीव हैं उनका सबका मैं जीवन हूँ। अब कम से कम जीवन को तो जान ही सकते हो ना। हम किसी से भी पूछेंगे कि तुम जीवित हो गए? हाँ हम जीवित हैं। हम पूछेंगे कैसे जीवित हो? तो वो बता नहीं पाएगा कि कैसे जीवित हैं, कि वो जीवन को जानता नहीं। आज हम यहाँ गुरु पूर्णिमा के उत्सव को मनाने आए और गुरु यदि जगत में कोई एक है तो सच्चिदानंद परमात्मा, सम्राटों के सम्राट श्री कृष्ण भगवान के अलावा तो कोई गुरु होता नहीं। ऐसा हो सकता है कोई नाम रूप में उनका अंश मात्र, मवेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, हो सकता है कि किसी में कोई उनकी कृपा बरस जाए और उनका थोड़ा सा अंश गुरुत्व उसको मिल जाए। कहते हैं गीत गाते रहते ना भाई लोग, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए,
सच सच ये मैं कहता हूँ, तकदीर बदल जाए। एक बूंद सागर का पता देती है, एक किरण सूरज का पता देती है। तो किसी के अंदर अगर वो गुरु तत्व प्रकट हो जाए तो परमात्मा सच्चिदानंद का पता देता है। तो जो आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन अब मैं लंबी चौड़ी आपसे बात उपनिषद की, वेद की, पुराण की, शास्त्र की, रामायण की, इसकी करूंगा तो हो सकता है कि वो ऊपर से भी निकल जाए, और हो सकता है ये तो आप सुनते ही चले आ रहे हो। मैं बात आपकी और मेरी करना चाहता हूँ, है ना। हम जब से जन्म लेते हैं, माता के उधर से जब से बाहर आते हैं, तब से हम रोना शुरू करते हैं। छोटा बच्चा आता है कि क्या क्या करके रोता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल जाने के लिए मना करता है, रोता है। फिर और बड़ा होता है तो नंबर कम आता है तो रोता है। फिर और बड़ा होता है तो किसी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में उसका सिलेक्शन नहीं होता तो रोता है। फिर और बड़ा होता है तो कोई सुंदर लड़की देखता है शादी करने के लिए, उससे उसकी शादी नहीं होती तो रोता है। और बड़ा हो जाता है तो शादी हो जाती है तो रोता है। फिर और बड़ा होता है तो बाल बच्चे नहीं हो पाते तो रोता है। फिर हो जाते हैं तो उनको पालने में रोता है। फिर और बड़ा हो जाता है तो उसके खर्चे पूरे नहीं होते, दुकान नहीं चलती, भाई लोग झगड़ा करते हैं, घर में कड़े होती है, पत्नी अलग खींचती है, माँ अलग खींचती है, उसमें रोता है। फिर बेचारा रोते 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 वृद्ध हो जाता है, फिर बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते, उस पर रोता है। फिर उसको समझ में नहीं आता अब क्या करें, जिंदगी भर जिनके लिए कमाया, जिंदगी भर जिनके लिए मेहनत की, वो लोग जो हैं मुझसे प्रेम ही नहीं रखते हैं। वो भी उसी डर्रे में चले गए जिस डर्रे में उसने जीवन जिया था, तो उसके लिए रोता है। तो ये तुम्हारा जो रोना है, ये तुम्हारा दुख है, ये तुम्हारा क्लेश है, ये तुम्हारा तनाव है, ये व्यर्थ में ही तुम्हें जबरदस्ती की कुछ गिफ्ट देता है, कुछ उपहार देता है। उनमें से एक का नाम है ब्लड प्रेशर, दूसरे का नाम है हार्ट अटैक, तीसरे का नाम है डायबिटीज। ये जैसे गुलदस्ता रखा है ना, ऐसे प्यारे प्यारे गिफ्ट देता है आपको। क्यों? कि आपने क्या किया कि किसी सतगुरु की शरण में नहीं गए और जीवन को कैसे जीना चाहिए ये नहीं सीखा। आपने ये तो सीख लिया कि आईएएस की परीक्षा में कैसे निकलना चाहिए, पीएमटी में निकल के डॉक्टर कैसे बनना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके कैसे एडमिशन लेना चाहिए, कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए, कैसे जो है किसी इंफोसिस वगैरह कंपनी में अच्छे एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जाना चाहिए, या गायक कलाकार बनना चाहिए, या कहीं कोई कलेक्टर एसपी बनना चाहिए, या कोई जुगाड़ लगाकर कैबिनेट मंत्री बनना चाहिए, या जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेकर और जो है सरकार कैसे बनाना चाहिए। ये तो आपने सब सीख लिया, लेकिन आपने ये नहीं सीखा कि शांति से जीवन कैसे जीना चाहिए। तो आज जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, मैं आज आपके बीच में थोड़ा सा आध्यात्म, थोड़ा सा जीवन जीने का तरीका, थोड़ा सा जीवन में प्रेम का कैसे संचार किया जाए। आप देखो इंसान कितना ना समझे, सारे जीवन वस्तुओं को संभालता है, प्रेम को नहीं संभालता। उसका ध्यान पैसे पे तो रहता है लेकिन प्रेम पे नहीं रहता। चार भाई एक घर में होते हैं,
उनकी पत्नियां होती हैं, भाई होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि अगर छोटे भाई या मझले भाई ने थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा ले भी लिया तो उस पर झगड़ेंगे, पर ये नहीं सोचेंगे कि इसके दिल पर चोट कितनी पड़ेगी इसकी। फिर वो प्रेम नहीं रहता परिवार में। और सब जानते हैं कि प्रेम परमात्मा का ही दूसरा नाम है। हमने यहां इस जगत में ये प्रेम का मिलन का जगत है। हम यहां आए हैं तो एक दूसरे को प्रेम बांटने के लिए आए हैं। ये कागज के नोट, ये लोहा लंगड़, ये भंगार, ये सोना चांदी, ये मिट्टी आज तक सब जानते हैं किसी के साथ कहीं नहीं। एक छोटी सी मुझे कहानी याद आती है। चार मित्र थे, रास्ते में जा रहे थे, उनके पीछे एक गुरु और शिष्य आ रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये जो माया क्या होती है, मृत्यु क्या होती है? उन्होंने कहा चलो मैं दिखाता हूं। चार मित्र जा रहे थे तो जो माया थी वो सड़क के बीचों बीच में एक मन के सोने की चट्टान बन के पटक गई, गिर गई। चार दोस्तों ने ओहो, एक मन की चट्टान, ये तो उठेगी नहीं अपने से, कोई लाइट उलाइट नहीं उठी। बोले यार एक काम करो, एक दोस्त यहाँ रखवाले पर रहो, एक को खाया भूख बहुत लग रही है तू भोजन लेकर आ, एक को का तू छेनी, दो को का तुम छेनी और हथौड़ी लेके आओ, इसके टुकड़े करके चार हिस्से करके अपन अपने ले जाएंगे। जो दोस्त भोजन लेने गया उसने सोचा कि यार चार हिस्से क्या, अपन एक ही पूरी अपन ही लेंगे, इनको क्यों दें। उसने भोजन में लड्डू पेड़े अच्छी मिठाई ली और उसमें जहर मिला लिया और वो जहर मिला के लेकर आ गया। और जिसने छेनियों और हथौड़ी लाए थे उसने सोचा कि ये जो दोस्त गया है ना भोजन लेने को, इसको छेनी पकड़वाएंगे और सीधी हथौड़ा जो खाने इसकी खोपड़ी में मार देंगे अपन, ठीक तो क्या करेंगे, तीन हिस्से हो जाएंगे, इसको हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। ये तुम्हारे जीवन की कहानी है, ये मत सोचना कि उनके जीवन की कहानी है। ऐसे ही लालच लोभ में पूरा जीवन आप सब बर्बाद करते हो। भैया वो हुआ तो वो लेकर आया भोजन, तो सबने कहा कि ऐसा करो भाई, पहले अपन भोजन कर लेते हैं, इसके बाद में इसको काटेंगे। तो दोस्त ने कहा हाँ हाँ हाँ, तुम भोजन कर लो, मैं तो करके आया हूं वहीं से, तीनों भोजन कर लो, तो मालूम था कि इसमें जहर है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अच्छा बाद में करेंगे, चल तू छेनी पकड़, अपन इसके टुकड़े करते हैं। तो घन दिया मिला के 12 पाउंड का, तो बेचारे का सिर फट गया, मर गया। फिर उन्होंने कहा अब एक काम करते हैं, भोजन कर ले फिर देखेंगे इसको काटेंगे। तीनों ने भोजन कर लिया, वो भी मर गए। वो जो माया थी, वो मृत्यु थी, वो वहां से उठकर चली गई। ऐसी जगत है, जगत माया है। बड़े बड़े संतों ने समझाया आपको, आप मानते ही नहीं हो। कबीर साहब कहते माया माँ ठगनी हम जानी, पंडित के मूरत बन बैठी, पंडित के मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी, काहू के कोड़ी बन बैठी, नहीं काहू के हीरा बन बैठी और काहू के बनी कोड़ी कानी। हम आपको जीवन जीने का तरीका बताना चाहते हैं, और ये जीवन जीने का तरीका हम नहीं बता रहे, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। हम तो केवल उसको, जैसे अप्लाइड फिजिक्स होती है, अप्लाइड केमिस्ट्री होती है ना, अप्लाइड साइंस होती है, हम उसको अप्लाइड गीता बता रहे हैं आपको कि गीता का जो संदेश है हम हमारे जीवन में कैसे उतार सकते हैं। पहली बात, आप हम बिल्कुल स्पष्ट बात बताते हैं कि आप जैसे यहाँ बैठे हैं तो आप अकेले नहीं बैठे, आप
आपके साथ तीन चीजें यहां बैठी हैं। एक तो आपका ये स्थूल शरीर बैठा हुआ है, जिसको कहते हैं फिजिकल बॉडी, जो कंप्यूटर को जानते हैं, या अब तो सभी जानते हैं कंप्यूटर को लगभग, तो उसमें जो हार्डवेयर होता है उसको आप छू सकते हो, उसको आप देख सकते हो। तो ये जो आपके आंख कान नाक मुंह पैर वगैरह जिसको आप छू सकते हो देख सकते हो, ये आपका हार्डवेयर यानी स्थूल शरीर है। और इसकी अवस्था क्या है? इसकी अवस्था है जागृत। जो अभी आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, ये स्थूल शरीर की अवस्था है। इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, माइक्रो बॉडी। ऐसे कंप्यूटर में हार्डवेयर के बाद होता है सॉफ्टवेयर, उसको आप देख नहीं सकते, उससे प्रोग्राम चलते हैं। ऐसे सूक्ष्म शरीर आपके प्रोग्राम चलाता है। आप रात में सो जाते हो, एक बार से चिल्ली रात में सो गया और वर्ल्ड का फुटबॉल चल रहा ना, अभी ब्राजील वगैरह हार गए, रो रहे थे बहुत लोग, यहां तक आवाज आ रही थी उनके रोने की अखबारों के माध्यम से। तो जो सॉफ्टवेयर है, सूक्ष्म शरीर है, वो ऐसा है कि रात में सो जाते हो, जैसे एक्चुअली सो गया और वो बहुत अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी था, और ऐसी जो खिड़की थी, खिड़की के किनारे आराम से मस्ती से सो रहा था, एसी भी चल रहा था, उसको सपना आया रात में कि वो फुटबॉल का मैच खेल रहा है, और मैच खेल रहा है तो उसके पैर ड्रिबलिंग करने लगे बॉल को, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, और जो किक मारी उसने खींच के गोल करने के लिए, तो जो किक मारी तो पूरा जो पैर है घुटने से लेके एंकल तक वो ग्रिल से टकराया, खिड़की की ग्रिल से टकराया और कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया उसको। ऐसे तुम लोगों का जीवन है, शांति से तो यहां नहीं जीते हो और नींद में भी शांति से नहीं जीते हो। जो पे नींद में जो तुम्हें शांति से नहीं जीने देता वो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, दैट इज योर माइक्रो बॉडी, सूक्ष्म शरीर, उसकी अवस्था स्वप्न है। तीसरा शरीर है, जब आप छोटे बच्चे थे, आपकी माताजी ने आपको उठाकर और अपने बिस्तर से उठाकर आपकी माताजी ने और आपके दादाजी के पास सुला दिया था, और आपको पता ही नहीं लगा था, नींद खुली थी तो आप सो तो माताजी के पास रहे थे और जाके दादाजी के पास, सबके जीवन का ये अनुभव है। यह है कारण शरीर, कैजुअल बॉडी, इसको हम लोग अज्ञान बोलते हैं आध्यात्मिक भाषा में। तो ये तीन शरीर हैं आपके, और समझना चाहते हो तो और समझो कि जो बड़े लोग हैं जिनको दुर्भाग्य से ऑपरेशन के दौर से गुजरना पड़ा है, क्लोरोफार्म जिनको सुगाकर बेहोश करके, किसी को बाईपास, किसी के अपेंडिक्स, किसी का कुछ ऐसा हुआ निकाला गया है, तो जो क्लोरोफार्म सूंघने पर आप पूरी तरह मूर्छा में चले जाते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, वो है आपके कारण शरीर की अवस्था। सब जानते हैं कि हर आदमी को रोज घंटे आधा घंटे यह सुसुप्ति की अवस्था आती है। तो ये जीव की जो बात हो रही है, जब तक तुम इस जड़ को नहीं जानोगे तुम्हारा जीवन आनंदित नहीं हो पाएगा। इट इज द अप्लाइड साइंस ऑफ गीता, ये गीता का प्रायोगिक विज्ञान है, जीवन विज्ञान, कैसे जिया जाए। तो ये तीन शरीर हैं और ये वास्तव में तुमसे अलग है, ये तो आप हो ही नहीं। ये जो तीन शरीर मैंने बताए, ये तो आप हो ही नहीं। ये मेरा कुर्ता फट जाएगा तो क्या मैं फट जाऊंगा? उसके अंदर की बनियान फट जाएगी तो क्या मैं फट जाऊंगा? इसके ऊपर की जैकेट फट जाएगी तो क्या मैं फट जाऊंगा? लेकिन
एक बहुत प्रीतिकर रामचरितमानस की चौपाई याद आती है। इस बारे में भगवान राम वनवास में जब घास फूस के बिस्तर पर सो रहे थे तो जो निषाद राज था उसकी आंखों में आंसू टप टप गिरने लगे। उसने कहा, ओ हो हो मखमल के बिस्तर पर सोने वाले और मलमल के चादर डाले जाते थे और नीचे कालीन बिछाई जाती थी और उस पर कोमल पैर कोमल चित कृपाल रघुराई, ऐसे भगवान राम यहाँ ऐसे सो रहे घास फूस के बिस्तर पे। तो वो आंखों में से आंसू आ गए उसको। तो भगवान ने लक्ष्मण के हृदय में आकर प्रेरणा दी, क्योंकि भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये चार रूप में भगवान स्वयं ही अवतरित हुए थे। भगवान ने खुद चारों रूप में अवतार लिया था, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो भगवान ने लक्ष्मण के हृदय में आके प्रेरणा दी कि लक्ष्मण इनको समझाओ। तो लक्ष्मण ने निषाद राज को ब्रह्म ज्ञान कराया, आत्मा ज्ञान कराया, स्वरूप का बोध कराया। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण निषाद राज को, कहते हैं कि मोह निसासव सोवनिहारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकार। ऐसे ही गीता में भगवान अर्जुन के कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्सार्थ जागृति संयमी। ये रात है प्यारे बच्चों, जिसे तुम दिन समझ रहे हो। ये माया की नींद है, जिसे तुम जागृति समझ रहे हो। ये माया है माया। मेरे एक मित्र संत थे, उनका एक भजन था, वो कहते थे कि चेत रे गुमानी जग में, चेत अभिमानी जग में, जन्म ना मिले रे माया संग ना चले, माया संग ना चले। चेत जाओ, दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। ये जो जन्म मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है। अभी हम इंदौर के एयरपोर्ट पे हवाई जहाज में बैठने के लिए बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। एक 22-23 साल की लड़की और उसका पिता, लड़की के मुंह में से लार टपक रही थी, उसका पिता उसको हाथ पकड़ के ले जा रहा था, लड़की लड़खड़ा रही थी, लड़की विक्षिप्त हो गई थी, पागल हो गई थी। इसको कहते इमेच्योर बेबी थी वो लड़की। क्यों भाई, मनुष्य का जन्म तो उसको भी मिला लेकिन वो कुछ नहीं समझ सकती थी। कभी ऐसे उंगली करती थी, कभी यूं करती थी, कभी उंगली मुंह में डाल लेती थी, कभी ये करती थी। मनुष्य का जन्म तो उसको भी मिला था। मैंने वेदांतानंद को बताया, वेदांतानंद देख ले, मनुष्य का जन्म तो इसे भी मिला है लेकिन इसे पूरी क्षमता नहीं मिली। कम से कम आपको तो पूरी क्षमता मिली है, आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया है ना। दो आंख दिए हैं, ना लूला ना लंगड़ा ना काना ना अंधा ना कुछ भी, तो आपको नहीं किया, सब तो दिया है। सर्वांग सौंदर्य और बुद्धि सब विकास सब दिया है। तो अपना एक उद्देश्य होना चाहिए कि अपन रोज बरोज जीते हैं तो अपने को ये देखना चाहिए यार, ये अपना रोज अपने को अशांत कौन कर देता है। अपन बैठे ही बैठे अशांत हो जाते। पति जो है बाजार गया सब्जी लेने और घर लौटकर आया और सब्जी का थैला जोर से पटका और पत्नी से झगड़ा करने लगा। पत्नी भी अचंभे में, यार हो क्या गया इनको, अभी अच्छे भले गए थे, अभी झोला पटक दिया थैला सब्जी का और मेरे पे चिल्लाने लगे।
माँ अच्छी भली जो है भोजन बना रही थी, पता नहीं क्या हो गया, बच्चा आया उसके पीठ पे दो धमाधम कूट दिया उसको, क्या हो गया। आप देखो ना आपको क्या हो जाता है, आपको बिना वजह अशांति आ जाती है। तो आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो ये मन है, ये मन न जाने कितने पुराने पुराने विचारों को आपके अंदर लाता है और बिना वजह आपको अशांत करता है, बिना वजह आपको अशांति में डालता है। आपका सुंदर सुखद जीवन, आपका अच्छा भला जीवन आपको ऐसा कर देता है, ये कभी कभी छोटी सी भूल के पीछे सदियों को सजा भुगतना पड़ती है। हमारे देश के बारे में भी आप जानते होंगे ना, छोटी सी भूल के कारण देश को कितनी सजा भुगतनी पड़ रही है। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा लेकिन आप सब समझ गए होंगे। तो ये जो मन है आपका, ये मन बंध मोक्ष योह, ये काश्मीर शैव तंत्र का सूत्र है। मन बंध मोक्ष योह, मन ही बंधन का कारण है और मन मोक्ष का। लेकिन ये सिद्धांतों से नहीं चलेगा, आप अगर गौर से अपने मन को देखना भर सीख लें, अगर आप अपने साक्षी हो जाएं, अगर आप अपने अंदर मुड़ सके। एक बार एक माँ मेरे पास आई, बोली गुरुजी मेरा लड़का शराब पीता है बहुत और सारे घर के बर्तन भांडे उसने बेच दिए और शराब नहीं छोड़ा, कुछ करो कि वो शराब छोड़ दे। तो मैंने कहा देखो माँ मैं करूँगा तो सही, लेकिन आप मानो तो मैं करूँगा। बोले कर बताओ हम करेंगे, आप जो मानेंगे, कोई दवाई हो तो दे दो, मैं दवाई से काम नहीं होगा। मैंने कहा एक काम करो, आपका बच्चा शाम को शराब पीने को जा रहा हो आप उसको पकड़ के बिठा लो और आप खुद जो भी कुछ बचा है पैसे दे ले उससे आप एक बोतल शराब ले आओ, दो गिलास रख लो कि बेटा तू शराब पी मैं भी तेरे साथ पीऊंगी और तू भी मरेगा मैं भी तेरे साथ ही मरूंगी। और बड़े प्यार से जो वो चने भोंगड़े से वो कुछ खाता वो भी रख लेना। उसने मेरी बात मानी और बच्चे को पकड़ के बिठाया, बेटा तू भी शराब पी रहा है मैं जी के क्या करूंगी, ला मैं भी पीती हूँ अपन दोनों साथ में मरेंगे। बच्चे ने पहले तो कोई बात नहीं, ठीक है पी, डाल लिए गिलास, होंठ तक जो माँ के होंठ तक ले गई, एक दिया मिला के गिलास में गिलास गिर गया और दहाड़े मार के रोने लगा, माँ मैं क्या करूं मेरी पत्नी ऐसे करके चली गई है मैं जीऊं कैसे फलाना दिखाना। तुमने कहा बेटा अगर सबकी पत्नी ऐसे करके चले जाए और सब ऐसे करने लग जाएंगे तो इस जगत में फिर कैसे काम चलेगा। फिर वो मेरे पास लाई, तब इस तरह से हम हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का युक्ति से भी समाधान कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग, सबसे पहली बात ये कि आप लोग अपने अंदर मौजूद परमात्मा को तो भैया अभी मत जानो, कोई टेंशन नहीं मत जानो। क्यों? कि वो कहूंगा कि जान लो तो अभी तुम विश्वास करोगे नहीं मेरी बात में, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर परमात्मा नहीं बल्कि तुम सभी साक्षात परमात्मा हो। भगवान ने कहा है सर्वखिल ब्रह्मा, सब में ब्रह्म ही ब्रह्म है, सारे जगत में सब प्राणियों में ब्रह्म ही ब्रह्म है। लेकिन अभी आप मत मानो, मत मेरी बात मत मानो, पर आप मेरी एक बात तो मान ही लो कि आप उसको ढूंढो जो आपको परेशान करता है, अशांत करता है, आपको चैन से नहीं रहने देता, आपको जो है ना जबरदस्ती का विषाद लाता है, आपके अंदर लोभ पैदा करता है, आपके अंदर जो है चालाकी पैदा करता है। आप तो बहुत भले आदमी हो लेकिन वो भला आदमी नहीं है,
मैं जिसकी बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं कोई बोल सकता है? वो कौन ऐसा व्यक्ति आपके अंदर रहता है जो आपकी जो है आपको भले होने को नहीं रहने देता? मां आप बताओ, मन ताली बजा दो, वो मन है ना? और मन को किसने देखा है? किसी ने मन को देखा हो धातु पर कर दो। किसी ने अपने मन को देखा है? मन को देखने की कला ध्यान है, और मन को जैसे ही देख लिया तो फिर मन की नहीं चलती। सांप को देख लिया कि ये सांप है तो सांप आपको काट नहीं सकता, नहीं देखोगे तो काट लेगा वो, देख लिया तो आप बच जाओगे। तो मन को देखने की जो कला है वो ध्यान है। हम इसको दृष्टा भी कहते हैं, हम इसको साक्षी भी कहते हैं, हम इसको मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस भी कहते हैं। हमने पूरी कोशिश की, फेसबुक पर, इंटरनेट पर एक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन खोली, उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाइटनमेंट, आत्म जागरण का विश्वविद्यालय, आत्म साक्षात्कार का विश्वविद्यालय। हमने देखा हमारे देश के जो सन्यासी हैं, ऋषि मुनि हैं, वो आत्मा को में जगाने का प्रयास नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? कोई भजन में लगाता है, कोई पूजन में लगाता है, कोई मंत्र जाप में लगाता है, कोई अन्य क्रियाओं में लगाता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता कि लोगों को ये कहे कि तेरे अंदर परमात्मा, उसमें तू जाग जा। बहुत कम लोग हैं। और तो हम क्या करते हैं, हमने एक एक चीज भगवान की सेवा पकड़ी। जैसे हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी होती है, कार्डियोलॉजी होती है, नेफ्रोलॉजी होती है, ना ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं। गले रोग विशेषज्ञ होता है, कोई उधर विशेषज्ञ होता है, कोई नेत्र विशेषज्ञ होता है। हमने सिर्फ एक ही चीज चुनी है, हम आत्म साक्षात्कार के विशेषज्ञ हैं। और आत्म साक्षात्कार की बहुत बड़ी महिमा है वो, तो अगर आपने जरा ही ध्यान करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले जो मनी राम राक्षस है इससे आप मुक्त हो जाओ सबसे पहले। और तनाव, चिंता, फिकर, अधैर्य, घबराहट, ये सारी चीजें आपको ऐसे छोड़कर भग जाएंगी जैसे सूरज के उगने पर उल्लू भग जाते हैं। तो हम पिछली बार आए थे तो गोविंदम हाल में हमारा ध्यान शिविर था 3 दिन का। तो ये सत्यबोध भाई जो बैठे हुए हैं ना, इनकी बड़ी, ये जैसे भागीरथ गंगा लाता है तपस्या करके, ऐसे सत्यबोध भाई ने फेसबुक पे हमको पकड़ लिया। और इन्होंने क्या है कि हमारे में श्रद्धा और विश्वास जो है वो जागृत कर लिया। आपने रामायण पढ़ी होगी ना, सबने पढ़ी है ना? क्या कहती रामायण कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान भवानी मतलब माँ पार्वती और शंकर, तो माँ पार्वती क्या है? श्रद्धा है। और शंकर भगवान क्या है? विश्वास है। और आज भी जितनी मेरी माँ है, बहने हैं, बेबियां हैं, मेरी सब माता बहने हो आप, मैं सब आपको प्रणाम करता हूँ। तो मेरी जितनी माता बहने आप बैठी हो, सब श्रद्धा का रूप हो। कोई साधु संत का आश्रम होता है ना, भैया माफ करना, किसी पुरुष के उस पर नहीं चलता, देवियां चलाती बेचारी। कोई केला ले जाके रख देगी तो कोई आटा ले जाके रख देगी तो कोई कुछ ले जाके, साधु संत वही खा लेते हैं। आदमी तो जो है बहुत कम मठ मंदिरों में जाते ही नहीं है। तो श्रद्धा कौन है? माँ अन्नपूर्णा, पार्वती माँ कौन है? देवियां हैं। और विश्वास कौन है? आप लोग हैं। अगर आप विश्वास कर लो तो फिर कोई नहीं दिखा सकता। तो सत्यबोध ने विश्वास कर लिया कि बट विश्वास
अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। रावण कहती है ना, और भगवान कहते हैं एक बार कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और जो कोई मेरी शरण में आता है तो क्या कहते हैं कि कोटि विप्रबध लागहिं जेहि आवे शरण तजो नहीं ते। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के और आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, हम सब भगवान की शरण में जाएं। एक मिनट के लिए हम सब भगवान की शरण में जाते हैं। हम सब मेरे साथ कहेंगे, हे प्रभु दीन बंधु, दयालु दीनों के नाथ, कृपा के सागर, जगत के परम गुरु, हम तुम्हारे चरणों की शरण लेते हैं। हमें इस माया से मुक्त करो। हे प्रभु, हम आपके प्रेम के प्यासे हैं, हमें आपका प्रेम और भक्ति दो। आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, जैसे आपने शिव शबरी का, मीरा का, दादू का, पलटू का, नानक का, रविदास का, भक्तों का उद्धार किया। हे प्रभु, इस गुरु पूर्णिमा में हमारी भी प्रार्थना सुनो, हमारा भी उद्धार करो। तो आपको उद्धार करने के लिए भगवान ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सी सरल एक तरीका है कि हम अगर शांत होकर चुपचाप बैठें और हमारे मन को देखें, मन में जो विचार चल रहे होते हैं उनको देखें, रोज 70 मिनट बैठकर, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप मन से अलग होने लग जाएंगे। मन में कोई भी छल आएगा तो आप देख लोगे, हाँ ये छल आ रहा है, हट जाओ। कपट आएगा, आप देख लोगे। अशांति आएगी, आप देख लोगे। फिर अशांति में आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, फिर तो आप कैसे हो जाओगे, जैसा गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, मैं तो परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। ये जगत क्या है? एक तमाशा है, एक खेल है, एक प्रपंच है। तो हम सब तो खेल देखने आए और आप तो खेल में ही शामिल हो जाते हो, ये आपकी भूल हो जाती है। तो इस मन के खेल को देखना आप शुरू करो, और अगर ये ध्यान आप सीखना चाहोगे तो कल सुबह 5 बजे से 7 बजे तक यही ध्यान की कक्षा यहाँ लगेगी, बिल्कुल निशुल्क लगेगी, है ना, यही कराएंगे। हाँ, अब दूसरी बात, जो बात हम कर रहे थे, तो जब हम ये ध्यान करना शुरू करते हैं, मन को देखने का ध्यान करना शुरू करते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि यार हम ये खाए थे, हमने भट्टे खा लिए, मतलब बैगन खा लिए, तो हमको दूसरे दिन ऐसी तकलीफ हुई थी। तो हमारे अंदर एक एनालिस्ट, एक जानकार, एक न्यूट्रिशन ये खड़ा हो जाता है, नहीं हम नहीं खाएंगे ये, नहीं नहीं भैया ये हटा लो यार, ये हम नहीं खाएंगे। देखो, और अब मन को देखते हो तो कोई आता है आपसे झगड़ा करने, कोई पुराना दुश्मन, या चलो कोई नहीं तो सास बहू के झगड़े, तो सास चिल्लाती है, ए बहू कैसे घर से आई है, तेरे को अक्कल नहीं है, ऐसा कर दिया। तो वो बहू अगर मन को देखती है तो वो जान जाएगी, ये तो मन में जीने वाली बेहोश है हमारी सास, तो मैं तो जाग रही हूँ, मन को देख रही हूँ। तो कहेगी, हाँ माता जी गलती हो गई है मेरे से, वो क्या है कि वो जो सांड सांड की लड़ाई थी वो बच गई, तो घर में शांति आ जाएगी। तो वो बिल्कुल प्रायोगिक प्रवचन नहीं है मेरा, ऐसा नहीं कि वो तंबा चोड़ा जो है आपको कैप्सूल दे दिया, वो समझ में नहीं आया,
क्योंकि हमारे पास ज्ञान तो है सारे वेद उपनिषद पुराण सबका, लेकिन अब उसको कैसे हम हमारे जीवन में अपनाए, ये खास बात है ना। तो एक बात, मन को देखा आपने और ऑफिस में काम कर रहे हो आप, और आप जानते हो कि आपका जो बॉस है, जो आपका अधिकारी है, वो बहुत चिड़चिड़ा टाइप का आदमी है। तो आप घंटी बजा, ट्रेन बुलाओ गुप्ता जी को। अब गुप्ता जी मेरे असिस्टेंट, वो समझ गए कि बॉस के पास जाना है और ये निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ बात करेगा अपने को, तो पहले से तैयार होके जाएंगे कि यार जो भी बोलेगा, जी सर, यस सर, यस सर, जी सर करके अपना काम खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा क्यों गुप्ता जी, वो फाइल तुमने दी थी वो नहीं हुई, अब चार दिन में काम होने वाला है, वो अफसर चाहता है एक दिन में हो जाए। तो वो गुप्ता जी ऐसा नहीं कहेंगे, सर चार दिन का काम एक दिन में कैसे हो जाएगा, तो फिर दोनों का झगड़ा हो जाएगा और वो नोटशीट पकड़ा देगा, है ना, मतलब वो बाहर नहीं पकड़ा देगा। तो गुप्ता जी कहेंगे हाँ सर, वो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी बात में इसलिए रुक गया कि उसमें वो ये चीज समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा बॉस से पूछेंगे, बॉस मेरे से ज्यादा जानते हैं तो हल बता देंगे। तो वो उसका अहंकार अफसर का, अरे वाह यार, तो अपना सम्मान करता है, हाँ बताओ क्या 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 दिक्कत है बताओ। हाँ सर ये इसका ही प्रयोग, इसकी फला कंपनी का ये जो आई है इसमें क्या करें, अरे ऐसे ऐसे कर लो। अच्छा गुप्ता जी एक काम करना, कोई बात नहीं एक दिन बाद कर लेना, अच्छे से कर लो, लेकिन लो वो समस्या हल हो गई। और जो मन में नहीं जिया तो वो गया मुझ पे ताव देगा, आज इसको मैं सुधार ही देता हूँ, वो होगा बॉस अपने घर का, यहाँ काम कर रहे हैं, कोई किसी को गुलामी कर रहे हैं, किसी बाप के नौकर है क्या, ऐसे करके जाएगा। तो हुई फिर झगड़ा ऑफिस में और सब लोगों ने देखा तमाशा। तो इसको कहते हैं एप्लाइड स्पिरिचुअलिज्म, ये जो है ना प्रायोगिक अध्यात्म है, ये प्रायोगिक अध्यात्म है। कौन सा, ये ध्यान करना। यदि तुम मन को देखोगे तो मन में ऐसे व्यर्थ के विचार उठते हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। शेख चिल्ले की कहानी सुनी होगी या टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सबने सुनी है शेख चिल्ले की कहानी, मुर्गी का अंडा बेचेगा, फिर वो बकरा बेचेगा, फिर वो भैंस बेचेगा, फिर वो महल बनाएगा, फिर शादी करेगा ना, शादी करेगा उसकी पत्नी बुलाएगी, वो लात मारेगा, वो सत्तू का जो वो ही ढुल गया। ऐसा ये जो मन है आपका, ये ऐसे मन सूबे बनाता है। मन कोई सूबा है, सूबा किसको जानते हैं, प्रांत यानी राज्य, मनोराज्य। ये क्या करता है, अपना राज्य बनाता है। जैसे सपने में नहीं बनाता, आप तो सो जाते हो पलंग पर पड़े हो और दुनिया भर का जो है सपने में एक 3x6 के बिस्तर पर, ये क्या करता है मन, बड़े बड़े नगर बसा लेता है। जिसने रामायण पढ़ी है वो जानता है कि नारद जी को मोह हो गया था, वो कन्या का हाथ देखा, ओहो इसकी शादी तो उससे होगी जो तीनों लोगों का जो अधिपति होगा। नारद ने सोचा यार हमारे से हो जाए तो कितना अच्छा रहे। तो भगवान ने कहा नारद को, क्या कहा कि नारद जिसका मैं कल्याण करना चाहता हूं, जिसका मैं भला करना चाहता हूं, जिसका जिसको मैं परमात्मा में जगाना चाहता हूं, तो क्या कहा कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे या सुनहु मुनि योगी। इसलिए कोई के पास पैसे नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत करना, क्योंकि भगवान ने तुमको जानबूझ के पैसे नहीं दिए, क्योंकि भगवान अपना तुमको प्रेम देना चाहता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, द्वारिका नाथ की जय। भगवान तुमको प्रेम देना चाहते हैं, भगवान तुमको अजर अमर अविनाशी परम तत्व में ले जाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने तुमको बहुत सारा धन दौलत नहीं दिया। और जिनको दिया है तो बोलो क्या उनके काम आ रहा है क्या। आज टाटा है, बिरला है, अंबानी है, डालमिया है, रिलायंस वाला है, क्या क्या लोग हैं, क्या इन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया क्या, नहीं कर पाए। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर मेरे से प्यार से जुड़े रहोगे तो आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाए तो दिल्ली के चांदनी चौक पर अपना सर कटवा दूंगा। क्यों, कि भगवान जिसको प्रेम करते हैं
भगवान जिससे प्रेम करते हैं, बेटा पंखा नहीं चलाना है, वो रिकॉर्डिंग में खर खर आ जाती है। तो भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसको क्या करते हैं, सब ओर से तोड़ देते हैं और सिर्फ उसको एक ही रास्ता रहने देते हैं। देखो देखो, बुरा मत मानना, भगवान से ही कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है या भगवान विष्णु जो है, केवल पहलाज से अकेले से प्रेम नहीं करते थे। मैं बहुत विलक्षण बात कह रहा हूं, वो हिरण्यकश्यप से भी प्रेम करते थे, क्योंकि वो तो सारे जगत के नाथ जगन्नाथ हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हिरण्यकश्यप को कोई जगह नहीं छोड़ी। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कैलाश से कि बता तेरा विष्णु कहाँ है, तो बोले तुम में, हम में, खड़ग और खम में, तुम में भी है, हम में भी है, इस तलवार में भी है और इस खंभे में भी है। तो उनने कहा तुम में, मतलब खुद को तो वो आत्महत्या तो कर नहीं सकता था ना, उसको तो वरदान था। हम में मतलब प्रहलाद को तो मारते मारते थक गया था वो, खड़क को तलवार को तोड़ नहीं सकता था, और खंभा ही बचा था, एक ही जगह बची थी। जैसे चूहा पकड़ते तो एक ही जगह बचती है, ऐसे भगवान जिसको दर्शन देना चाहते हैं उसको फिर संसार में सिर्फ और सिर्फ जानकी नाथ का ही सहारा रह जाता है, बाकी किसी का नहीं रहता। इसलिए कभी दुख आए तो घबराना नहीं, रोना नहीं, जब दुख आए तो खूब जोर से हंसना, कहना वाह भगवान तेरी बड़ी कृपा है, क्योंकि दुख आया तो मैं तेरी याद में तो डूब सकूंगा। तो हम जिस विषय की चर्चा कर रहे थे वो विषय है कि ध्यान से हम परमात्मा की ओर कैसे चले। तो आप जानते हैं कि हम यदि बंबई से दिल्ली की तरफ चलेंगे तो बीच में बड़े बड़े पड़ाव मिलते हैं, है ना। बंबई से दिल्ली की तरफ चले तो हमको इधर से भोपाल होके आएंगे तो नागपुर मिलेगा, है ना। इसके बाद में फिर ये जो नागपुर के बाद भोपाल, एटआरसी भोपाल, है ना, आगरा मथुरा, ये सब मिलेंगे। तो ये ध्यान का पहला पड़ाव है साक्षी। और जब तुमने साक्षी किया, साक्षी का ध्यान किया, तो फिर तुमको जीवन में पहली चीज क्या आएगी कि तुम्हें शांति आने लग जाएगी। जो शांति तो धीरूभाई अंबानी के दोनों लड़कों के पास भी नहीं है, वो शांति आ जाएगी तुम्हारे पास। फिर दोबारा फिर संतोष आ जाएगा। फिर तुम भोजन कर रहे होगे, मुंह में कौर रखोगे तो तुम्हारे मन में ध्यान आएगा कि यार मैं तो भोजन कर रहा हूं लेकिन मेरे पड़ोस में कोई गरीब रहता है, उसने भोजन किया कि नहीं किया। तुम सोचोगे आज दो रोटी कम खाएंगे, उसके यहां भिजवा देते हैं। इतना तुम्हारे अंदर एक संतोष आ जाएगा कि गऊ धन गज धन बाज धन और सबई रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अरे आपको भगवान मिले ना मिले वो तो अलग बात है, बाद में और चारों पीढ़ी चल जाओगे तो मिल जाएगा भैया। अब तो नागपुर में ही उतर गए, ग्वालियर में ही उतर गए, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ध्यान की पहली अवस्था साक्षी में ही तुम्हें संतोष हो जाएगा, शांति हो जाएगी, उससे क्या बड़े बड़े फायदे होंगे। जब तुम्हें संतोष हो जाएगा ना, शांति हो जाएगी ना, तो ये एंजाइमा नहीं होगा, दिल नहीं फटेगा, हार्ट फेल नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, डॉक्टर को 400,000 रुपए दे के बाईपास नहीं कराना पड़ेगा। बोलो कितनी बड़ी बात है। ब्लड प्रेशर नहीं होगा तुमको, तुम्हारे लिए दिमाग के तनाव के रोग नहीं होंगे तुम्हें। जैसे दिमाग के कितने सिजोफ्रेनिया, आने जाने मेनिया, तरह तरह के रोग होते हैं और डॉक्टरों के पास तो कोई दवा है नहीं। ईमानदारी की बात बताऊं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मनोचिकित्सकों के पास मेंटल डिसीज की कोई भी दवा नहीं है, कोई भी दवा नहीं है। आयुर्वेद में भले एक दो दवा है जैसे सर्पगंधा, बच, ये है, लेकिन इन पे कुछ भी दवा नहीं है। तो आपका जो मस्तिष्क है
वो ध्यान करने से, साक्षी का ध्यान करने से शांत होने लगेगा, शांत, और आपके मस्तिष्क की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अब बताइए, आप सब, आप माताएं शिकायत करती हैं कि मेरा बच्चा जो है पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। जैसे तीन चार वो बच्चे वो खेल रहे हैं पीछे, वो क्यों खेल रहे हैं पीछे, आवाज क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनके परिवार में उनके माता पिता ने उनको ये नहीं समझाया होगा कि देखो बेटा, तुम रोज सुबह आधा घंटा हमारे साथ बैठ के ध्यान करा करो। संस्कार बच्चों में डालना पड़ेंगे। वाल्मीकि रामायण के महत्व के चौथे अध्याय में श्लोक आता है, उन्होंने उसमें लिखा है, माता प्रथम गुरु, बच्चे की माँ पहले गुरु है। तो जो साक्षी का ध्यान आप करेंगे, तो साक्षी का ध्यान करने में आपको बहुत सारे लाभ हैं। हमारे सत्यबोध भैया के पास एक किताब मिल जाएगी, वो गीता पे प्रथम जो गीता का श्लोक है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उस पर मेरे से भगवान ने एक किताब लिखाई है। मैं भगवान का जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट हूँ। इंस्ट्रूमेंट जानते हो ना, उपकरण, जैसे आपके हाथ में पेन रहता है ना, ऐसे भगवान का पेन हूँ। भगवान लिखा देते, मैं लिख देता हूँ। तो 114 पेज की किताब है, वो आप देख लेना, उसके कवर को देख लेना। ध्यान करने मात्र से आपको कम से कम 64 तरह के फायदे होते हैं, 64। बोलो, ध्यान करना सबको मंजूर है कि नहीं, करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, अब पहली अवस्था हो गई ये साक्षी, और उससे तुमको ये पता लगेगा क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूँ। भैया जी ने पेम्पलेट में छपा दिया कि गुरु महाराज इन पे बोलना है, अब हमको उस पे बोलना है। तो दूसरी चीज है समृद्धि, कि ध्यान करने से समृद्धि, यानी ये भौतिक समृद्धि कैसे आती है। एक व्यक्ति ध्यान नहीं करता और उस व्यक्ति का झगड़ा हो जाता है, रास्ते चलते उसकी गाड़ी टकरा जाती, कोई बात हो जाती है, कोर्ट कचहरी में जाता है, वकील उसके पैसे खा जाते हैं। एक व्यक्ति ध्यान नहीं करता, उसको तनाव रहता है, वो शराब की दुकान पे जाता है, हजारों रुपए की शराब पी जाता है, उसको जो पैसा बच्चों के काम में आना चाहिए वो शराब का ठेकेदार के पास चला जाता है। बोलो, बचे कि नहीं बचे पैसे? ध्यान करने से पैसे बचे कि नहीं पैसे? एक व्यक्ति जो ध्यान नहीं करता, उसके अंदर बुद्धिमत्ता नहीं आती, उसके अंदर जड़ता मूर्खता आती है, उसको कोई इमोशनल ब्लैकमेल बेवकूफ बना देता है। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, हमारे भाई हैं, हमको तो 1 लाख रुपए की बहुत जरूरत पड़ गई है, हम आपको लौटा देंगे, आप हमको दे दो। ऐसे ठग उसके पैसे खा जाते हैं। क्यों? कि उसको ध्यान करता नहीं, उसको पता नहीं, अंदर से उसको ज्ञात नहीं हो पाता कि ये आदमी अच्छा है कि बुरा है। मैंने कहता किसी की मदद मत करो, करो, लेकिन ध्यान करो तो जाकर उसकी दिल के अंदर झांक के देख लो। ध्यान करने वाला दूसरे के दिल के अंदर झांक के देखने की क्षमता विकसित कर लेता है ना। ये बात हो गई, तो पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा आपका, समृद्धि आएगी कि नहीं आएगी? अब जो ध्यान नहीं करता वो बेवकूफी में क्या करता है, मकान तो बनाता है, लेकिन मकान कैसा बनाता है, अहंकार को दिखाने के लिए बनाता है। पड़ोसी के मकान से मेरा मकान अच्छा बनाऊंगा और डिजाइन बाहर का इनोवेशन ऐसा करूंगा कि लोग देखते ही रह जाएंगे। अब मकान तो बना लिया, लेकिन अब जब सुविधाएं अंदर देखी तो उसने इतना छोटा सा तो बाथरूम बना लिया कि जहां उसकी माताजी या कोई पिताजी जो हैं वो फिसल के गिर जाए, उन्होंने टाइल्स ऐसी लगा ली चिकली, अकल है नहीं दिखाने के लिए टाइल्स लगा ली। तो जो ध्यान करता है वो हर काम अच्छा करता है, मकान भी बनाएगा तो अहंकार के लिए नहीं बनाएगा, सुविधा और रहने के हिसाब से बनाएगा। तो देखो फिर क्या होता है, जब खराब मकान बन गया तो फिर जब कोई हड्डी फड्डी टूट जाती है फिर सोचते हैं और ये तो इसको इनोवेशन कराना पड़ेगा, तो इनोवेशन में खर्चा हो गया। लो ध्यान करते तो इनोवेशन का खर्चा बच जाता तुम्हारा। भाई मतलब व्यवहारिक बात बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ आपको? अप्लाइड स्पिरिचुअलिज्म है कि नहीं? गीता से लिया हूं मैंने, गीता से लिया हूं।
और गुरु महाराज की कृपा से। चलो ये हो गया, अब ये आप तो आप और ध्यान के और बहुत से फायदे हैं, बहुत से लाभ हैं। अब तीसरी बात, दूसरी स्टेज बताता हूं। कोई साक्षी का ध्यान करता है और ध्यान करा, और ध्यान करने के बाद उसकी दूसरी अवस्था आती है जो सत्य बोध में घटित हो गई। जो ये बैठ खड़े हैं भैया, फोटो ले रहे हैं, फोटोग्राफी, स्वामी वेदांतानंद जी, इनमें घटित हो गई है ना। एक अभिषेक सारस्वत मेरा शिष्य है, उसमें घटित हो गई। ये अवस्था आती है निर्विकल्प समाधि अवस्था, उसको हम लोग कहते हैं रियल मेडिटेशन, यानी वास्तविक ध्यान। जैसे KG-1 KG-2 होता है ना, इसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड होता है। तो सेकंड अवस्था ऐसी होती है जब व्यक्ति बैठा रहता है और पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, उसके अंदर सब कुछ रुका रुका रहता है सब कुछ, तो उसको हम रियल मेडिटेशन कहते हैं। उस अवस्था में आने पर क्या लाभ होता है? उस अवस्था में आने पर हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, ये तीनों ध्यान करने लग जाते हैं। पहली अवस्था में तो शरीर और आपके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है साक्षी का, वो रहता है। दूसरे में आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, ये तीनों ध्यान करने लग जाते हैं। और तीसरी अवस्था जब आती है, तब जैसे कभी आप लोग तो दिल्ली रहते ही हो, चलो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, शायद आप कभी कभी गांव गए हो या कभी आपने किसी बिल्डिंग की छत से देखा हो, जब सुबह सुबह सूरज उगता है तो पूरब दिशा में लाल लाल रोशनी होती है, जिसको कि हम ऊषा बोलते हैं, ऊषा बोलते हैं, उर्दू में इसको शफकत बोलते हैं। तो जो ऊषा की किरण जो होती है, ऊषा जो होती है, वो उसको तीसरी अवस्था कहते हैं कि परमात्मा बस प्रकट होने वाला है, उसको हम भान अवस्था कहते हैं, उसको हम कहते हैं भान अवस्था। और चौथी अवस्था होती है जागरण की, जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तब तुम गाने लग जाओगे कि साधो भाई अमर भय न मरेंगे, फिर तुम अमर तत्व में जाग जाते हो। और पांचवी अवस्था होती है परमहंस अवस्था, जब आप जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों कालों में आप अपने आत्म स्वरूप में जागे रहते हो, तो होती है परम जागरण की परमहंस अवस्था। मैं आपको ये तो गुरु पूर्णिमा पे मैं सोचा था कि चलो इनको ऐसे हल्की फुल्की बात करेंगे, ये मेरे अंदर का परमात्मा बोला कि भैया मत करो इनके साथ जो है छल कपट, जो माल ओरिजिनल है वो दे दो, इनको सप्लाई कर दो, ये ले चाहे नहीं ले अपने को कोई मतलब नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा टेर लगाऊं गली गली, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा टेर लगाऊं गली गली। भगवान खुश हो गए, बड़ी खुशी की बात, भगवान आप पर खुश हो गए, पक्की बात समझ लें, भगवान आप पे खुश हो गए हैं, इसलिए इतना प्योर माल आपको सुनने को मिल रहा है। नहीं तो बताओ अभी तक कितने सत्संग हुए होंगे, कथा भागवत सुनी होगी आपने, लेकिन कभी ये अंदर की भागवत सुनी? आप लोग हिम्मत यदि करो तो हमने भगवान की प्रेरणा से एक वेदांत भागवत नाम की पुस्तक लिखी है, उसमें भागवत के अंदर जो वेदांत है वो लिखा है। पंडित पुजारी लोग वो बताते ही नहीं है, वो तो रुक्मणी का ब्याह करते हैं लोटा थाली कमाने के लिए, धोती साड़ी लोटा थाली दान दक्षिणा इसके लिए। तो कभी आप हिम्मत करो, सब ताकत लगाओ तो दिल्ली में हम एक बार वेदांत भागवत 7 दिन की करके जाएं, है ना। और YouTube पर रोज एक गीता का प्रवचन,
हम वहां इंदौर से देते हैं तो कम से कम 48 देशों के मेरे शिष्य मित्र हैं वो सुनते हैं। तो आप यदि चाहो तो जैसे सत्यबोध जी के पास एक छोटा सा कमरा है, हाल है, किसी भाई बहन के पास कोई कमरा तो होगा, वहां एक LED लगा लो और हर रविवार को प्रवचन सुन लिया करो, है ना। तो देखो तो सही, जुड़ के तो देखो। अरे अभी तक तुमने जिन लोगों का साथ किया है वो बेचारे खुद ही नहीं जानते, तो आपको बताएंगे क्या। मैं आपको आपके अंदर मौजूद परमात्मा का अवश्य दर्शन करा दूंगा। ना वहां कोई स्त्री है, ना वहां कोई पुरुष है, ना वहां कोई जाति है, ना वहां कोई पाती है, ना वहां कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना वहां कोई काला है, ना वहां कोई गोरा है, वहां कोई कुछ भी नहीं है। रात को मेरी माता बहने, मेरे भाई, रात को आप सो जाते हो, नींद में चले जाते हो, तो आपको पता रहता है कि आप स्त्री हो कि पुरुष हो, गहरी नींद में आपको पता रहता है कि आप ब्राह्मणों के ठाकुर हो कि बनिया हो कि आप राठौर हो, कोई पता रहता है आपको। अरे नींद तुमको सब खत्म कर देती है तो तुम्हारे को मौत कितना खत्म कर देगी। अरे भैया मौत आए इसके पहले तुम परमात्मा में छलांग लगाने की तैयारी कर लो। एक बात और कहना चाहूंगा, जंगल में आग लगती है, शेर, लोमड़े, है ना, गिधड़, खरगोश, सब जल जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन एक जानवर ऐसा होता है जो जंगल में कितनी भी आग लगे अपने आप को बचा लेता है, वो हाथी होता है। नदी के बीचों बीच जाके खड़ा हो जाता है, जंगल में जब आग ठंडी हो जाती है तो वापस लौट के चला जाता है। वो आप जिज्ञासु हैं, हाथी हैं, और वो आग जो है ये माया की आग लगी है, ये संसार जंगल है। कबीर साहब कहते हैं, है ना, कि आग लगी आकाश में और झर झर पड़े अंगार, और जो संत ना होते जल जाता संसार। तो आपके अंदर एक शांति रूपी नदी बह रही है, आप उसमें खड़े होने की तैयारी करो, नहीं तो ये संसार की आग जला के राख कर देगी आपको। मेरी बात से नाराज मत होना, मैं जो है ना झकझोर के आपको जगाना चाहता हूं, मैं आपको लोरी गा के सुलाना नहीं चाहता, मैं तो चिल्लाऊंगा, कंधे पकड़ के हिलाऊंगा, ठंडा पानी डालूंगा, मैं जगाना चाहता हूं। मैं यहां जगाने आया हूं, सुलाने नहीं आया हूं। इन्हें के बढ़िया मधुर गीत से छेड़ दिया, लोग ऐसे से झूमने लगे और कोई बीच में नाचने लगा। हाँ हाँ, वो भगवान के प्रेम में वो कुछ करेंगे वो अलग है, लेकिन मैं आपको जो है ना यहाँ पर ठगने नहीं आया हूं कि भाई आपको आपको मजा आ जाए, आनंद आ जाए आपको। आहा, क्या स्वामी जी आए थे, क्या भजन गाया था, क्या मस्ती आई थी, और जैसे आए थे वैसे ही चले गए। आप जागो, कम से कम मुझे इतना विश्वास है कि यहां जो बैठे लोग हैं वो जब मेरा प्रवचन के बाद अपने घर जाएंगे तो कम से कम वो मैंने जो विधि बताई है कि 70 मिनट चुपचाप बैठे और इस ध्यान को करें, और मैं जो प्रवचन दे रहा हूं ये तो औपचारिक बात है, अब तो परिवार के लोग हैं, अब तो बातचीत कर रहे हैं। सत्यवाद इधर आओ, राजीव इधर आओ, ये मेरे दो बच्चे, ये मेरे दो बच्चे हैं, अगर आप ध्यान सीखना चाहोगे ये मेरे दो बच्चे आपको इस ध्यान को सिखा सकते हैं, आपको ध्यान की व्यवस्था कर सकते हैं। ये दो बच्चे हैं, इन्हीं ने दो बार मुझे इंदौर में बुलाया है ना, इनके लिए सब ताली बजाओ एक बार। तो सत्यबोध आपके यहाँ के लोकल गुरु हैं, मतलब जैसे कोई सम्राट होता है ना उसके सम्राट के सूबेदार होते हैं, तो ये सत्यबोध हमारे NCR के सूबेदार हैं,
एनसीआर के मतलब पूरे दिल्ली क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश है ना, इसके हैं। और ये जो मेरे राजीव हैं, ये हमारे पूरे भारतवर्ष के सच्चिदानंद आध्यात्म सेवा ट्रस्ट के सचिव हैं, ये सेक्रेटरी हैं। और सत्यबोध जो हैं, ये हमारे पूरे इस ट्रस्ट के जो है ना, ये हमारे उपाध्यक्ष हैं। तो आप सब लोग इनके यहां की जो मौजूदगी है, इसका लाभ उठाएं। आप इनसे कहें कि गुरु महाराज जो हमें देके गए हैं प्रवचन, उसको हम जीवन में कैसे उतारें। टीचर पढ़ा के चढ़ा जाता है, फिर होमवर्क करना पड़ता है ना अपने को। अभी अपने भाई साहब, क्या नाम था, वो शिविर में आए थे, क्या नाम भैया, वो बैठे हैं जो बच्चन सिंह जी इधर आइए, इधर आइए। ये पिछले शिविर में आए थे, 3 दिन का ध्यान किया था। ये बच्चन सिंह जी हैं, इन्होंने उस माल को चखा है। ये कुछ ओशो वाले भी भैया आए थे, वो आज आए कि नहीं आए, वो नहीं आए वो हा? कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये लोग आए थे शिविर में, आपके दामाद आए कि नहीं आए, कहीं भाग गए। तो आप जो है इन तीनों की मदद ले आप। ये तो प्रवचन, यार प्रवचन देके और चलेगा, ये औपचारिकता नहीं होना चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, बैठो बेटा बैठो, ये जो आपको मैं बता रहा हूं, इसको आप कैसे जीवन में उतारें, कैसे आप हार्ट अटैक से बचें। आप भले कितना ही अनजुर्न रेस्ट पी लें, चाहे आप कितना भी ट्रीटमेंट करा लें, आप बिना ध्यान के बाईपास से नहीं बच सकते। मैं सत्य कहता हूं, बिना मेडिटेशन के आप बाईपास से नहीं बच सकेंगे। और अगर भगवान की कृपा हो जाएगी तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा, कोई भी रोग नहीं होगा। कहते हैं कि कहते हैं क्या वो कैसा है, गोपत सिंध अनर्शित लाई क्या है, रिपु करे मिताई है ना। अच्छा चलो उसका अर्थ बता देते हैं, वो एक शब्द आगे का चूक रहा है कि गरुड़, हाँ आ गया, गरल सुधा रिपु करे मिताई और गोपद सिंधु अनलसित लाई। अगर आप भगवान की कृपा में डूब जाओ तो क्या बात कर सकते हो है? अरे मीरा को जहर जो है अमृत हो गया, गरल सुधा हो गया और रिपु करे मिताई, और जो दुश्मन है वो आपको दोस्ती जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे, और गोपद सिंधु और ये गाय का जो खुर होता है, इसके समान सागर लगेगा। प्रभु भगवान हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु तब कृपा भयउ सब काजू, और जन्म हमार सफल बाजू। मैं भैया भगवान की कृपा पर चलता हूँ, मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, ईमानदारी की बात बता दो, आप भूल में मत पड़ जाना, मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान ने मुझ पे कृपा की है, उनका ही प्रसाद बांट रहा हूँ, मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है। आप भूल में मत पड़ जाना कि मैं बहुत बड़ा कोई संत हूँ, कि बड़ा चमत्कारी हूँ, कि आप पर बड़ी कृपा हो जाएगी, लेकिन बस इतना है कि भगवान की कृपा से मैं सब काम कर रहा हूँ, भगवान का चपरासी हूँ मैं, सेवक हूँ उनका। और जो सत्य ज्ञान है उसके, उसको आपके सामने रखने आया हूं कि सत्य ज्ञान सबसे परम, सब सिद्धि बेकार, ज्ञान प्रकट तब होत है जब गुरु समझावे सार। भगवान ने मुझे गुरु का काम दिया है और मेरे को अच्छी तरह से पता है, जैसे सुनार क्या तुम सोना लेके जाते हो तो वो डिजाइन नहीं देखता, वो देखता है इसमें कितना तोला सोना है ना। तो ऐसे में तुम्हारे अंदर स्त्री की डिजाइन है, पुरुष की डिजाइन है, गोरा है, काला है, मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे सबके अंदर तो परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। और मैं देखता हूँ कि मेरा परमात्मा भूल में पड़ा हुआ है, तो मैं कहता हूँ उसको कि तू परमात्मा है, भूल में पड़ा है, चल अपने परमात्मा तत्व में जाग जा। सद्गुरु भगवान की।
स्वामी जी महाराज की शिव। बस इतना ही।